में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत जनपद मुरादाबाद में 54 सरकारी और 17 प्राइवेट स्थानों पर 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोग भी उत्साह के साथ वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं जनपद के जिलाधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि जनपद में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। सर्विलांस टीम घर घर जाकर सर्वेक्षण कर लक्षण युक्त पाए जाने वाले लोगों की टेस्टिंग कर रही है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों से कोरोना ना फैले, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर टीम लगा दी गई है, जो यात्रियों का एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट कर रही है। जनपद में अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से बाजारों, भीड़ वाले स्थानों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मास्क चेकिंग का भी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जनपद में 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। जनपद की 71 साइट पर वैक्सीनेशन चल रहा है। हमने 15,000 लोगों का पर डे टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा है। देखिए, 54 जो सरकारी क्षेत्र में 54 स्थानों पर हमारे टीकाकरण के सत्र हो रहे हैं और 17 स्थानों पर प्राइवेट क्षेत्र में टीकाकरण के सत्र हो रहे हैं। देखिए, हमारी करीब जो हमें 77,000 का टारगेट दिया गया था, उसमें 48% को टीकाकरण हम कल तक कर चुके थे। आज से 45 साल से ऊपर सभी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। जी, सेंटर पे टीकाकरण ठीक चल रहा है। जी, कल तक की फिगर साहब 54 थी सक्रिय मरीजों। देखिए, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो मुख्य रूप से जो हम लोग जो तरीका अपनाते हैं, उसमें एक तो सर्विलांस को हम प्रमुखता देते हैं। सर्विलांस टीमें जो है घर घर सत्यापन करती हैं और जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जाते हैं उनका एंटीजन टेस्ट होता है और आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। तो सर्विलांस टीमों के माध्यम से लोगों को ट्रैक करना, उनको टेस्ट करना और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेट करना, यही थियरी चल रही है। और अभी मार्च महीने में हम लोगों ने 60,000 टेस्ट किए हैं। 60,000 में 35,000 के आसपास का टेस्ट जो है आरटीपीसीआर टेस्ट किया है और लगभग 25,000 एंटीजन टेस्ट किया है। तो अभी जो हमारे यहाँ पे जो कोरोना संक्रमण की दर है वो 0.28% अभी है, जो इस सेकेंड वेव में जो पाई गई है। तो मुख्य रूप से हम जो जोर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि सर्वेक्षण की टीमें बना करके घर घर सर्वे करके जो लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग करवा रहे हैं। जो बाहरी प्रांतों से आने वाले लोग हैं, रेलवे स्टेशन के थ्रू जो आ रहे हैं, उन पर रेलवे स्टेशन पर अस्थायी टीमें लगा दी गई हैं और वो टीमें जो है एंटीजन टेस्ट भी कर रही हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट भी कर रही हैं। तो इसी तरह से जो है बाहर से आने वाले लोगों का सर्वेक्षण में जो लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जा रहे हैं उनका टेस्ट करके और फिर जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको आइसोलेट करके जो है इस पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। दूसरे इस पे जो है, एक तो जनता में जागरूकता के लिए जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो थानों पे लगे हुए हैं, तहसीलों पे लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे लगे हुए हैं, बाज़ारों में लगे हुए हैं, उनसे जो है प्रॉपर जो है अनाउंसमेंट चल रहा है। लोगों को हम लोग सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क के प्रयोग करने की हिदायत दे रहे हैं। मास्क की चेकिंग का एक अभियान भी हम लोगों ने कल से शुरू कराया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर लोग सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और अगर उनके आसपास, जैसे हम लोगों ने निगरानी समितियों को भी एक्टिवेट किया है, तो अगर निगरानी समितियों के माध्यम से भी हम लोगों को लक्षण युक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो उनको हम लोग टेस्ट कराते हैं और इन्हीं सभी उपायों के माध्यम से हम इस संक्रमण को कारगर तरीके से रोकने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, एक जो है प्रमुख चीज़ वैक्सीनेशन भी है। वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है और आज से तो 45 साल के ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। हमारे जो है लगभग हमारे जो 71 सेशन साइट्स जो है वो आज से स्टार्ट होंगी और जो टारगेट है वो लगभग 15,000 लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने का टारगेट है। तो वैक्सीनेशन के माध्यम से ट्रैक करके लोगों को, उनको टेस्ट करके, आइसोलेट करके और जागरूकता पैदा करके, सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग करके इस संक्रमण को काफ़ी हद तक हम लोग दूर करने में कामयाब होंगे।